यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तुम दर्शक वाले हैं जी टेफर। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि गाइस यहाँ पर जो ट्रेवर है, इसने एल रूबियो की गैंग को ज्वाइन कर लिया है। अब भाई ये जो ट्रेवर है ना, ये सोच रहा है कि यहाँ पर पूरा लॉस सैंटोस के अंदर एक तरीके से कब्जा कर लेगा, लेकिन भाई ये इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलतफहमी है। और गाइस यहाँ पर जो ट्रेवर है, इसने भाई अपनी औकात दिखा दी है। इसने भाई क्रिमिनल को जान से मार दिया है। आप लोगों को पता होगा कौन क्रिमिनल भाई, उसने हमारा इतना साथ निभाया था ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई ट्रेवर को क्यों, मतलब क्या हुआ था कि उसने क्रिमिनल के ऊपर इतनी सारी गोलियां की बौछार कर दी और वो बेचारा अब हमारे बीच में नहीं है। गैस अभी मैं तो बच चुका हूँ, मेरे को तो गैस उसने जो है ना पैर पे गोली मारी थी, तो मेरे को तो इतना असर नहीं हुआ है। चलो गैस यहाँ से बाहर तरफ निकल चलते हैं। और गैस अभी जो ना मैं सीधा ग्रेवयार्ड के लिए निकल रहा हूँ, मतलब वो जो क्रिमिनल है वो गैस हमारे बीच में नहीं है, तो इसलिए लेस्टर भी वहाँ पर है और पता नहीं कौन कौन है, मेरे को अभी कुछ पता नहीं है। बाकी यहाँ पर मैं आया होता अपना थोड़ा इलाज कराने के लिए, क्योंकि ट्रेवर ने भाई क्या ही बताऊँ यार, बस ट्रेवर ने अपनी औकात दिखा दी यार। अब भाई ट्रेवर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। पहले भाई ट्रेवर ने लॉस्ट गैंग को ज्वाइन करा था, तो मैं तो सोच रहा था चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉस्ट गैंग है। लेकिन उसके बाद ट्रेवर ने दोबारा से एल रूबियो की गैंग को ज्वाइन कर लिया है। बेटा अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, मौत का बदला मौत से होगा। तो ओके गाइस, यहाँ पर तुम्हारा भाई इस बाइक को भगाते भगाते सीधा पहुँच चुका है अभी ग्रेवयार्ड, और यहाँ पर ही लेसर मेरे को मिलने वाला है। बेटा गेट, एक सेकेंड, ये गेट में क्या हो गया भाई? चलो जैसे तैसे करके मैं तो यहाँ से निकल चुका हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर देखो भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही ना, बस क्या ही बताऊँ। यहाँ पर जो क्रिमिनल है वो गाइस आई थिंक दबा दिया क्या, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी लेसर को कुछ ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि वो हमारी हैकिंग में इतनी ज़्यादा हेल्प करता था। लास्ट बार भी गाइस उसने जो ना माइकल को बचाया था, माइकल भी भाई मरते मरते बचा था। बाकी जिमी तक आ रखी है भाई, अमेंडा भी यहाँ पर है। चलो गाइस यहाँ पर लेसर से बात करता हूँ, लेसर हो रहा। तो गाइस यहाँ पर मेरी लेसर से तो बात हो चुकी है, और लेसर ये बोल रहा है कि अब ट्रेवर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। भाई लेसर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि भाई वो जो क्रिमिनल था ना, उसकी ना तो कोई फैमिली थी, ना उसका कोई पेट वेट था जो जिसके साथ वो खेले। बाकी वो पूरा दिन जो है ना लेसर के साथ ही रहता था, हैकिंग वेकिंग करता था, और भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़े की तरह से हैकर बोल सकते हैं। उसने लेसर का बहुत ज़्यादा साथ निभाया है। लेसर ये बोल रहा है कि माइकल एक घंटे के अंदर अंदर जो है ना मैं तेरे को कॉल करूँगा, और मेरे को जो है ना आना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो एक तगड़ी प्लानिंग बनाने वाला है। गैस लेसर बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ यार, बेटा एल रूबियो तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। एल रूबियो तो छोड़ो, यहाँ पर ट्रेवर को सबसे पहले मारना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो जो है ना एल रूबियो की टीम में जा करके कुछ ज़्यादा उछल रहा है। और यहाँ से मैं अपनी बाइक को बाहर की तरफ कैसे ले जाऊँ भाई? चलो मैं यहाँ से बाहर तरफ से निकल जाता हूँ। और गैस अभी जो माइकल की फैमिली, वो भी कुछ देर में घर चली जाएगी। बाकी अभी जो ना बेनी की मेरे पास कॉल आई है, और वो मेरे को तुरंत के तुरंत ही अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है, बोल रहा है जल्द से जल्दी आ जाओ। तो चलो एक बार चल के देख लेते हैं। वैसे भाई मेरा शोरूम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो चलो भाई, यहाँ पर तुम्हारा जो भाई है वो बाइक को भगाते भगाते अभी जो ना अपने शोरूम में पहुँचने वाला है। बस पहुँच चुका, और एक सेकंड, अबे भाई कैसे पागल उगल हो गया ये बंदा, मतलब ट्रक में पूरा चढ़ाते जा रहा है। चलो मैं अपने शोरूम के अंदर पहुँच तो चुका हूँ। बाकी वो हेलो बेनी, लो बेनी ये रहा, ऑलरेडी किसी से बात बात कर रहा है। तो मैं अपनी बाइक को जो ना साइड में लगाता हूँ। बेनी एक तो भाई इस बाइक के अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा खुराफातियाँ करता रहता है, कभी कलर चेंज कर रहा है, कभी कुछ मॉडिफाई कर रहा है। भाई हर एक एक्सपेरिमेंट इसी बाइक पर करना होता है क्या? चलो छोड़ो, ये रहा बेनी, इससे जल्द से जल्दी बात बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर मेरी बेनी से बात हो चुकी है, और बेनी ये बोल रहा है कि वो जो गाड़ी हम चुरा के लाए थे ना, वो पूरी मॉडिफाई हो चुकी हैं, और अब जो ना उनका ओनर भी पता नहीं लगा पाएगा। बाकी यहाँ पर एक रेसर आ रखा है, आई थिंक इसको एक गाड़ी वाड़ी चाहिए होगी। चलो छोड़ो, बाकी वो देखो बेनी की वाइफ वहाँ पर फोटो खींचने में लगी हुई है। बाकी ये वाली गाड़ी भी कुछ ज़्यादा खतरनाक सी है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता है भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। बाकी ये तो आई थिंक कैमेरो है ना, ऐसी नाम है। बाकी वो वाइट वाली भी, गैस अभी जो ना मेरे को सारी गाड़ी जो है ना ट्रेलर के अंदर भर के लेके जाना सीधा अपने घर पे, क्योंकि गैस ये मेरी पर्सनल गाड़ी होने वाली है। तो चलो गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और बेनी तो ये बोल रहा है कि अपने शोरूम में गाड़ियों के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है, तो गैस गाड़ी भी लानी पड़ेगी। ओ ओ ओ, इस गाड़ी का नाम क्या है भाई? ये गाड़ी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलो गैस लोड करते हैं सारी। तो गैस यहाँ पर तुम्हारा जो भाई है ना, उसने चार गाड़ियाँ तो लोड कर दी हैं। बाकी बेनी ये बोल रहा है कि बाकी की जो दो गाड़ियाँ हैं ना, वो लमार लेकर आ जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं ही इन्हें लेके चलता हूँ अपने गैरेज के अंदर। बाकी मेरे को ये भी देखना है कि अपने गैरेज का काम कितना कंप्लीट हो चुका है। बाकी ओ ओ ओके गाइस, यहाँ पर जो ना अटैच भी हो चुका है। तो चलो यहाँ से सीधा ट्रक को भगाते हैं और निकलते हैं अपने घर के लिए। और गैस वो जो बंदा था ना, वो मैनेजर था,
उसके ऊपर भी अटैक हुआ था मैरी वेदर वालों का। चलो वो तो बच चुका है और वो एक तरह से डर चुका है। तो चलो भाई यार, यहाँ पर जो ना मैं पहुँचने वाला हूँ और मैं इतनी ज़्यादा तेज़ी से भगा रहा हूँ ना अपने ट्रक को। ओ ओ ओ भाई भाई भाई, अबे साइड वेड हो जाओ, रेड लाइट अपन लोग फॉलो करने नहीं वाले। ओ आराम से, बाकी मैं कुछ ज़्यादा तो तेज़ चला रहा हूँ, टक्कर वक्कर हो गए ना भाई यहाँ पर, ऐसी की तेज़ी हो जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मेरे को ये भी नहीं पता है कि उस बंदे ने अपनी एंट्रेंस किधर बनाई है। मैंने उससे कहा था भाई पीछे वाला अभी रास्ता बनाना है एक। यार वो जो मैनेजर है ना, मतलब जिसने ये काम संभाला है ये गैरेज का, उसने पता नहीं पीछे वाला रास्ता बनाया नहीं बनाया। बाकी मेरे को तो ये भी नहीं पता है। ओ, ओ, एक सेकंड, पहले तो अपनी गाड़ी को जो यहाँ पर लगाता हूँ, मतलब ट्रक को, और आराम से देखना पड़ेगा कि रास्ता है किधर की तरफ, क्योंकि भाई मैं तो घर पे आया नहीं था इतने दिनों से, मेरे को कहाँ लग रहा भाई रास्ता, रास्ता तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो चलो सामने की तरफ रास्ता मेरे को दिख चुका है, तो पहले गाड़ी को उतारते हैं, मतलब सारी सारी गाड़ी को उतारते हैं और लेके चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। और चलो यार यहाँ पर जो ना फाइनल गाड़ी को भी ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, जब मैं पहले आया था तो उस बंदे ने कहीं और पे ये बना रखा था गैर सब। आगे ऊपर की तरफ लेके चलते हैं आराम से आराम से आराम से। आई थिंक मैंने सेकेंड ही थर्ड फ्लोर पर गाड़ी को लगाया है। एक सेकेंड, इसके ऊपर भी आई थिंक है। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ से उतरता हूँ। बाकी गाइस यहाँ पर मैंने बच्ची कुची गाड़ी जो ना वो ग्राउंड फ्लोर पे लगा दिए हैं। ये जो गैरेज है ये टोटल 5 से 6 फ्लोर का आई थिंक, ये हेलीकॉप्टर से ठीक दिखेगा। बाकी मैं ऊपर की तरफ चल के देखता हूँ यहाँ पर आवाज़ कैसे आ रही है भाई। ओ हेलो, ये लोग कौन है भाई, को पार्टी वार्टी चल रही है। ओ तेरी भैंस की आँख, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये जिमी का काम है। मतलब भाई अभी गैरेज बन के पूरा रेडी भी नहीं हुआ है, ये जिमी का बच्चा अपने दोस्तों को बुला के ले यहाँ पर, ये सारे के साथ जो ना इनके कॉलेज के दोस्त हैं भाई, सब यहाँ पर मजे मार रहे हैं। अबे तुम्हारे लिए थोड़ी खुलवाया भाई ये शोरूम सा। अबे लो भाई ये इनकी, मुझे लग रहा है ये जो ना यहाँ पर ऐसी तैसी कर देंगे यार पूरा का पूरा। अच्छा हुआ कि गज मैनेजर ने जो है ना ऊपर की तरफ भी एक हेलीपैड बना दिया है। गज ये जिमी के बच्चे से बोलना पड़ेगा, ये भाई एक तो खुद भी बिगड़ रहा है ऊपर से पूरा कॉलेज वाले को बिगाड़ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तो ये जो गाड़ी, इसको यही खड़ा रहने देते हैं। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो मैंने 3 गाड़ी थी ना वो मैंने कहाँ पर लगाई है। बाकी इसका जो ग्राउंड है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये रहा गाइस इसका ग्राउंड फ्लोर। बाकी गाइस ये वाली गाड़ी मैंने ट्राई तो नहीं करी है, इसका सनरूफ भी ओपन हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और मैं निकालूँ कैसे भाई गाड़ी को। गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई जो है ना गाड़ी को लेकर सीधा जो है ना बाहर तरफ आ चुका है। बाकी गाड़ी में थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी लग चुके हैं और अभी जो है मेरे पास लेस रिकॉल आ रही थी, मैं उठा ही नहीं पाया। चलो जो आराम से आराम से आराम से, बाकी मैं गाड़ी को टेस्ट करूँगा। और ये बट ट्रेलर मैंने कैसे लगाया यार, मुझे भाई ये जो ट्रेलर है ये भी ठीक ठाक लगाना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ पर मैंने वो जो ट्रक और ट्रेलर है वो तो लगा दिया है। और गैस अभी मेरी लेसर से बात हो चुकी है, लेसर ये बोल रहा है कि जिस बंदे की तुमने गाड़ी चुराई है ना वो वही बंदा है जो अभी ट्रेवर और एल रूबियो के साथ में। आप लोगों को पता होगा हमने गैस ये जो गाड़ी नहीं एक अंडरग्राउंड शोरूम से चुराई थी, वो बंदा गैस वही बंदा जिसने भाई मेरे ऊपर अटैक किया था जब क्रिमिनल आया था मेरे को बचाने के लिए। पता नहीं वो कौन ही बंदा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और लेसर ये बोल रहा है वो जो बंदा ना वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता रहता था वो भी डेली, तो मैं अभी उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ। और लेसर ये बोल रहा है कि बस तुमको जो ना उसके बारे में पता लगाना है कि वो कहाँ से है, वो क्यों आता था वहाँ पर। तो भाई यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधा भी उसी रेस्टोरेंट में पहुँचने वाला हूँ जिस रेस्टोरेंट में वो जो बंदा है वो आया जाया करता था। बाकी लेफ्ट की तरफ आप लोग नजर मारो। ओ ओ ओ अबे नैनो भगाता हुआ ला रहा है भाई, शर्म कर ले थोड़ी सी। चलो छोड़ो, बाकी तुम्हारा भाई पहुँच चुका है, यही वो रेस्टोरेंट है। गज ये कैसा भाई, इसके अंदर मैं पहले भी आ चुका हूँ। अबे सै क्या सीन है भाई यहाँ के लोग बीच में खड़े होकर सुट्टा मार रहे हैं यार। चलो छोड़ो, और एक सेकंड यहाँ पर नीचे जाने का भी ये, चलो अंदर की तरफ चल के या खोलो भाई इसको। बाकी भाई साहब कितना ज़्यादा बढ़िया ये रेस्टोरेंट है, मतलब नीचे की तरफ से नज़र मारो और यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। मतलब भाई रेस्टोरेंट खुला छोड़ कर चले गए क्या यहाँ के सारे लोग। अबे कोई बार बार वाला यार, ये तो बाथरूम है, बाथरूम में मैं कहाँ घुस रहा हूँ। अबे कोई चोरी वोरी करके ले जाएगा भैया, ये क्या चीज़ है भाई। चलो अच्छा ऊपर जाने का भी रास्ता है क्या यहाँ से, मेरे को तो पता नहीं था ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा बड़ा है। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पर वो जो बंदा वो यहाँ पर क्या करने के लिए आता था। बाकी यार ये तो किचन विचन वाला एरिया है और ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। ओ हेलो, यहाँ पर कोई है भी या नहीं है। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ और मैं कहाँ से आऊँ यार, ये बाउंसर वाउंसर लोग मेरे को बोलने ना लगें। बाकी मेरे को जो ना बस यहाँ के ये जो बार वाला बंदा है इससे बात कर लेनी है और पूछना है यहाँ का मैनेजर कहाँ पर है। तो गैस यहाँ पर मेरी इस लड़की से तो बात हो चुकी है और ये जो बंदा है ना इसको भाई कुछ भी नहीं पता। ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि सर यहाँ पर मेरा भी पहला दिन है। अबे भाई चलो छोड़ो यार, बाकी ये बंदा बोल रहा है कि ऑफिस में हमारे सर हैं तुम उनसे जाकर बात कर सकते हो। तो चलो मैं अंदर की तरफ आ तो चुका हूँ और ये रहा वो बंदा।
अभी ऑलरेडी फ़ोन पे बात कर रहा है तो इसको फ़ोन पे बात करने देते हैं। और ये क्या है भाई, ये तो समुराई का समुराई की सी फ़ोटोज लग रही हैं। चलो छोड़ो, सीधा अंदर की तरफ निकलता। ओ अबे ये क्या कर, ओ तेरी भैंस की, भाई साहब यहाँ तो बैक फ्लिप मारी जा रही है। चलो छोड़ो, उसको बैक फ्लिप मारने देते हैं, बाकी यहाँ पर इस बंदे से बात बात करनी पड़ेगी। तो भाई मेरा ऐसा मन कर रहा है कि इस बंदे की जो है ना मैं कनपट्टी लाल कर दूँ। ये बंदा भाई तब से फ़ोन ही फ़ोन पे बातें करा जा रहा है। अबे भाई गर्लफ्रेंड से बाद में बातें कर लियो। तो गाइस यहाँ पर मेरे इस मैनेजर से बात हो चुकी है, और ये जो मैनेजर है ना ये इतना ज़्यादा अकड़ूमल है, ये मेरे से बोल रहा है कि सर किसी की भी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करते, बेटा तेरी मैं ऐसी तैसी मार दूँगा। गाइस ये जो बंदा ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा, किसी की भी डिटेल नहीं बता रहा यार। सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी बंदा आता जाता होगा ये शेयर नहीं करते, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बेटा मेरी बात सुन, मेरे पास मैं तेरे जो है ना मत्थे पे गोली बजा दूंगा। तो गैस मैं तो ये सोच रहा था कि इस बंदे की जो ना मेरे को गुद्दी उद्दी लाल करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो इतना ज्यादा डरपोक है। गैस ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पर जो ना एक अंडरकवर माफिया आता था। अंडरकवर माफिया कौन है भाई? ये बंदा बोल रहा है कि वो जो माफिया थे ना वो दोनों के दोनों वो यहाँ पर ड्रग की डीलिंग करने के लिए आते थे, वो भी इसी रेस्टोरेंट के अंदर। भाई रेस्टोरेंट खोल रखा, क्या खोल रखा है? यहाँ पर ड्रग डीलिंग होती है, नीचे की तरफ तो खाना पीना होता है, ऊपर ड्रग डीलिंग चल रही है। इस मैडम जी को देखो, ये भी भाई मुझे लग रहा है फ़ोन से ड्रग डीलिंग कर रही होगी। चलो छोड़ो, बस अभी जो ना इस बंदे ने मेरे को एक अंडरकवर माफिया के बारे में बताया। ये अंडरकवर माफिया कौन है भाई? अब तो भाई यहाँ से जो ना सीधा पहले तो नीचे की तरफ निकलता हूँ, और अभी जो ना मैं सीधा लेसर के पास कॉल करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये अंडरकवर माफिया कौन है, इसके बारे में पता लगा यार। अगर हम अंडरकवर माफिया तक पहुँच जाते हैं तो सीधी सी बात है उस माफिया तक भी आराम से पहुंच जाएंगे। गैस अभी जो है ना लेस्टर को कुछ ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बस मैं क्या बताऊं यार, क्योंकि भाई उसका इतना अच्छा दोस्त तो मारा गया है। बाकी अभी जो क्रिमिनल है ना वो कुछ ज़्यादा महीने भी नहीं हुए थे हमारे साथ रहते हुए, कुछ हफ्ते हुए थे। बाकी भाई काम का बंदा था यार वो। चलो छोड़ो, अभी जो ना मेरे पास फ्रैंकलिन कॉल आई है, वो मेरे को तुरंत की तुरंत ही अपने घर पर बुला रहा है। चलो चलते हैं। ओ तेरी यार, ये क्या लोग हैं यार, मैं काट रहा हूँ ये काट नहीं दे रहे हैं भाई, अंधे हो चुके हैं। तो चलो भाई यहाँ पर जो ना मैं अपनी पोर्शे को भगाता भगाता सीधा पहुंच चुका हूँ फ्रैंकलिन के नए वाले घर पे। बाकी मतलब भाई ये जो फ्रैंकलिन ने कितने घर चेंज करेगा यार। मैं मानता हूँ भाई प्रेसिडेंट है लॉस एंडोस का, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई इसने तो अपना पूरा विला ही खड़ा कर लिया है। तो चलो सीधा अंधे की तरफ निकलते हैं। बाकी कितना ज्यादा लग्जरी घर है भाई, काफी ज्यादा महंगा भी होगा। बाकी मेरे को नहीं पता इसने खरीदा है या गवर्नमेंट ने इसको दिया है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सीधा निकलता हूँ अंदर की तरफ। बाकी फ्रैंकलिन ने मेरे को बुलाया तो यहाँ पर मेरी एंट्री ईजिली हो गई है। बाकी यहाँ पर जो ना मैं इनसे सिक्योरिटी गार्ड से एक बार पता कर लूँगा कि फ्रैंकलिन है किधर की तरफ, और बाहर की तरफ मेरे को कोई ना कोई बंदा तो दिख रहा है। चलो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से बात बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे सिक्योरिटी गार्ड से बात तो हो चुकी है, बाकी पीछे से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये बंदा बोल रहा है कि सर आपको जो ना बाहर वाले रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा पीछे की तरफ, फ्रैंकलिन सर वहीं पे ही है। अबे भाई क्या घर बनवाया क्या बनवाया। चलो छोड़ो, सीधा पीछे वाले रास्ते से निकलते हैं। ये फ्रैंकलिन का बच्चा है कहाँ पर? बाकी भाई आप लोग यहाँ पर इसका स्विमिंग पूल देखो, इतना ज्यादा बड़ा है ना, बस क्या ही बताऊँ। अबे फ्रैंकलिन तेरे पास इतना सारा पैसा, मैं क्या बातें कर रहा हूँ यार, यहाँ पर चोप भी आया हुआ है। चलो छोड़ो, नहा वाले क्या? तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने जंप तो लगा दिया है। अबे मैं तो सोचा भाई पूरा तालाब होगा, कुछ तालाब नहीं है, ये रहा फ्रैंकलिन। तो गाइस यहाँ पर मेरी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, और फ्रैंकलिन ये बोला है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है कि तुम्हारा दोस्त मारा गया है, और भाई मैंने इसको जो है ट्रैवर के बारे में बता दिया है। और ये बंदा मतलब फ्रैंकलिन तो ये बोल रहा है कि अभी के अभी मेरी आर्मी को ले जाओ, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट है, तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स है, स्वैट वाले बंदे हैं और मिलिट्री के बंदे भी हैं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है कि अभी के अभी अगर मैं कायो पैरी को जाता हूँ और ट्रैवर को और एल रूबियो को मार के उस बंदे को जो ना मैं ला के सीधा लेसर के पास छोड़ दूंगा, लेसर अपने आप देख लेगा कि क्या करना है। बाकी यहाँ पर मैंने मना कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए फ्रैंकलिन से, क्योंकि अभी जाना वो भी कायो पैरी को एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर तीनों बंदे मिल चुके हैं, एल रूबियो, ट्रैवर और एक वो जो माफिया बंदा। अब मेरे को नहीं पता वो माफिया थर्ड जो बंदा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और वहाँ पर कितनी ही ज़्यादा आर्मी फोर्स है, वहाँ पर बेवकूफ़ी है यार, अपने ही बंदे वहाँ पर मारे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रैंकलिन से बोल दिया है कि फ्रैंकलिन यार मैं तेरे को कॉल कर दूंगा, तू तो अपनी आर्मी को रेडी रखियो बस। तो गाइस अभी लेसर का मेरे पास कॉल आया था, और लेसर ने उस अंडरकवर बंदे की लोकेशन को निकाल लिया है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं सीधा उस अंडरकवर बंदे के पास निकलता हूँ। और गाइस लेसर के पास बहुत तगड़ा प्लान है, लेसर ये बोल रहा है कि जल्द जल्दी उस बंदे को पकड़ के लेकर आ जाओ सीधा टॉर्चर रूम में, बाकी बाद में देखेंगे। और उस बंदे को देखो, मुझे पागल हो गए लोग है क्या भाई, कैसे चढ़ाता जा रहा है। चलो छोड़ो, सामने की तरफ ही मिलिट्री बेस है, और यहाँ पर फ्रैंकलिन ने अपना घर ले लिया है।
गैस अभी वो जो अंडरकवर बंदा है ना वो अपने बार में है, मतलब उसका एक प्राइवेट बार भी है। तो चलो भाई यहाँ पर तुम्हारा जो भाई है इस गाड़ी को भगाते भाई सीधा पहुँच चुका है उसके होटल में, और ये उसका बार भी है। बाकी ये ऊपर इतनी हलचल कैसे हो रही है भाई? गैस आप लोग जो दो बिल्डिंग देख पा रहे हो ना ये उसी अंडरकवर माफिया की है, पता नहीं कौन है अंडरकवर माफिया। चलो छोड़ो सीधा अंदर की तरफ निकलते हैं, और मेरे पास गन वन तो है क्योंकि भाई कुछ भी सीन हो सकता है, इसलिए मैं पहले प्रिपेयर हो जाता हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं लिफ्ट से ऊपर की तरफ तो आ चुका हूँ, और यहाँ पर इतना ज़्यादा सन्नाटा है ना, इस भाई हाइट देखो इतनी ज़्यादा ऊंची है। चलो छोड़ो, बाकी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा मेरे को कहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर उसका ये प्राइवेट है भाई, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है आना जाना। बाकी यहाँ पर मुझे तो लग रहा है यहाँ पर किसी की ना पार्टी चल रही थी अभी। वो ये इतना सही है क्या? ओ हेलो, कोई बताएगा मेरे को यहाँ पर बंदा है किधर? बाकी यहाँ पर एक डोर तो दे रखा है, तो चलो अंदर की तरफ चल के देख लेते हैं। और गैस मेरे को वो बंदा दिख चुका है, बाकी सामने की तरफ देखो जो पानी के अंदर है, इसकी ऐसी कम तैसी मारो। पहले से बड़े प्यार से बात करेंगे, मैं इससे पहले पूछूंगा कि भाई मेरे को ये बता दें, बस उस माफिया के बारे में बता दें, उस माफिया कहाँ पर घर है, क्या करता है, A to Z डिटेल अगर इसने बता दिया तो काफी बढ़िया बात है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि भाई इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। गैस यहाँ पर मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है, और ये बंदा इतना ज्यादा एटीट्यूड में ना भाई साहब, ये मेरे से बोल रहा है अबे कौन है बे तू, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, नहीं तो अभी जो ना अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा के तेरी ऐसी की तैसी करवा सकता हूँ, इसने मेरे से ये बोला है। बाकी भाई मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ पर जो ना इसकी ऐसी तैसी मार दूँ। भाई 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 अबे उछल किस पर है भाई बंदा, बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे जो ना आखिरी बार और पूछ लेते हैं, तो गए जैसा मैंने सोचा था वैसे भाई ये जो बंदा नहीं है बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा तेरी, तो चल बेटा निकल यहाँ से आज तो भाई इसकी है ना। अबे एक घूस में बेहोश, चलो चलो मारी ऐसी की तैसी, चलो निकलो यहाँ से, अंटियाँ पंटियाँ पर क्या करने में लग रही हैं, अबे भगना यहाँ से, अबे हट चल चल निकल यहाँ से। बाकी यहाँ पर अबे भाई काफ़ी ज़्यादा बंदा, अबे किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, यहाँ पर तुम्हारा जो बॉस है उसको तो मैं लेके जाने वाला हूँ। चल बेटा निकल यहाँ से, बेटा इतनी ऊंचाई से ना जो है ना ऐसी फेंक दूंगा पता भी नहीं चलेगा। चलो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने बंदे मार दिए हैं, बाकी अंदर की तरफ काफ़ी सारे बंदे हैं, वहाँ पर भी निपट आता हूँ। अबे निकल निकल निकल, चल निकल यहाँ से। बाकी गाइस सामने की तरफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा और भी बंदे आते जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कहाँ कवर लूँ यार। बाकी एक मेरी भैंस की यहाँ, अबे हटो ना यहाँ से, गैस काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, और एक एक की जो है ना मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। बेटा चल बेटा हट यहाँ से, हवा नहीं दे, ये बंदा भी जा चुका है। अबे निकल यहाँ से, मतलब भाई मरने के लिए रेडी नहीं हो रहे। तो चलो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बंदे तो मार दिए हैं, एक से और तेरी ऐसी की तैसी, दो दो तीन तीन बंदे यहाँ पर चिपके वो खड़े हैं, और तो कुछ ना बेटा इतनी बुरी तरीके से मारूँ ना, वैसे ही भाई आज जो है ना दिमाग खराब हो रखा है, क्रिमिनल अपना इतना अच्छा खासा दोस्त मार जा चुका है। ओ ओ ओ यहाँ तो नहीं है ना, मेरे को लगा ही था यहाँ पर एक दो बंदे तो जरूर होंगे। चल चल बेटा निकल यहाँ से, सबके सब टक लें। तो गैस अब बारी आ चुकी है उस बंदे की, कहाँ पर है? अबे ये कहाँ से कूद कर रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, छत पे से कूद कूद कर रहा है भाई, कहाँ चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं। तो चलो इससे पहले कि गैस काफी ज्यादा बंदे आ जाए, इसको लेके चलते हैं अपने साथ में। तो गैस यहाँ पर मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई गलती नहीं है, ना तो इसने हमारे पर अटैक किया है, ना ये हमारे बारे में जानता है। तो मैं इसको इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि लेसर ये बोल रहा है कि इसको जरूर से पता है कि वो माफिया कहाँ पर है, और ये भी एल रूबी के साथ मिला हुआ है। बेटा जल्दी से आ जाना, तो पैर ही पैर एक तो बजा ही देता हूँ, एक से तो कुछ नहीं होगा भाई इसको। चलो ये अपना बेहोश बेहोश तो नहीं हुआ है, इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा सीधा नीचे की तरफ, गाड़ी में उठा के सीधे लेके चलते हैं लेसर के पास। और ये क्या हो रहा है भाई, गंदगी कहाँ से, ये क्या उछल रहा है यार। चलो छोड़ो यहाँ पर जो है ना सीधा नीचे की तरफ निकलते हैं। चल बेटा चल आया जल्दी से गाड़ी के अंदर आके बैठ। गैस यहाँ पर जो ना इस बंदे को लेके चलना है। अबे आके बैठ भाई, कितना ज़्यादा नखरे कर रहा भाई ये बंदा। चलो इसको फाइनली मैंने बैठा तो दिया है, मुझे पता भाई तेरी औकात नहीं ऐसी गाड़ी बैठने की, लेकिन पहली बार बैठ रहा है। अब मेरे को नहीं पता भाई कौन है और क्या करता है, बाकी इसका नाम अंडरकवर है, देखते हैं बेटा ये कहाँ का अंडरकवर है, मेरे से तो भाई दो रैप्टे में मर गया था। तो गैस यहाँ पर मैं इसको जो है ना सीधा लेसर के एक टॉर्चर रूम में लेकर आ चुका हूँ। बेटा फटाफट से उतर भाई, बैठा कैसे हो भाई बंदा, इसकी तो घूसे मारने का मन कर रहा है। चलो छोड़ो लेसर इसको अपने आप देख लेगा, इसको ज़्यादा मारना नहीं है। बाकी ओ हेलो लेसर, लेसर ही रहा ये बंदा, आई थिंक आ रहा होगा क्योंकि यहाँ से भागने का कोई जुगाड़ नहीं है। लेसर ने बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमरे वैमरे सब कुछ लगा रखे हैं, बेटा भाग के जाया कहाँ पर? अबे लेसर तुझे क्या हो गया भाई? गैस यहाँ पर ये जो लेसर है
ये तो भाई मुझे लग रहा पागल हो चुका है। बाकी लेसर ने मेरे को प्लान बता दिया कि इसके साथ करना क्या है। लेसर भाई लेसर ज़्यादा मत मारियो यार, बेचारा मर वर जाएगा। इससे कुछ गलती नहीं है, पता नहीं लेसर क्यों मार रहा है इसको। मुझे पक्का पता है लेसर भाई पूरा गुस्सा निकाल रहा अपना, मतलब वो जो क्रिमिनल का है ना उसका। बाकी लेसर को देखो, लेसर बजा दे भाई, बजा कर रख दे भाई इसके अंदर। बाकी मेरा इससे लड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेसर का ये प्लान है कि एल रूबियो के साथ वो जो दूसरा बंदा है ना, वो माफिया टाइप का, वो और ये काफी ज्यादा बढ़िया दोस्त हैं। तो गैस इसको टॉर्चर करके हम उस बंदे को लॉस सेंटोस के अंदर बुलाएंगे, साथ के साथ एल रूबियो को और ट्रेवर को भी। और जैसे ही वो लॉस सेंटोस के अंदर आएंगे, मैं फ्रैंकलिन से ये बोल दूंगा कि तू अपनी आर्मी को रेडी रखियो। जैसे वो लॉस सेंटोस के अंदर आते हैं, वैसे गैस हम जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो बस यही हमारा प्लान है। लेकिन ये जो बंदा नहीं मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। अबे हटना है ऐसे, क्या करने में लग रहा है। अबे लेसर बजा कर रख दे इसके अंदर। बाकी ये बंदा बिल्कुल भी मान नहीं रहा है। ये बंदा बोल रहा है कि मैं उसके पास कॉल नहीं करने वाला। चलो देखते हैं गाइस, ये बंदा जो है ना ये हमारी बात मानते नहीं मानता। बाकी लेसर तो भाई इसमें जो है ना बजा के रखने वाला है। बाकी ये मानेगा कैसे नहीं, उतरी ऐसी की तैसी भाई मेरे को मारने के लिए आ रहा था यार। लेसर बजा इसके अंदर, तेरी मेरे को मारेगा। अच्छा इतना बड़ा हो गया लेसर, बजे उसके अंदर एक आध भाई साहब, इतना बड़ा हो गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा चौड़ा हो रहा है। गैस आप लोग मेरे को बताना कि इस बंदे के साथ क्या करना चाहिए, इसको मार देना चाहिए या इससे काम वाम निकलवाना चाहिए। तो चलो गैस आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब लेना। मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गैस मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर में ऑनलाइन रहता हूँ। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.